हाय दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरेंद्र दिगल ब्लॉग चैनल। अब हम लोग निकल रहे हैं भेलाकुड़ी से ढीकाजुली जो गुप्तेश्वर मंदिर है सिंगरी में। आज हम निकल रहे हैं और डेढ़ घंटे के बाद पहुंच जाएंगे हम लोग सिंगरी जो गुप्तेश्वर मंदिर है। चलिए निकलते हैं। अभी हम लोग यूटी रोड पर निकल चुके हैं। ये रहा यूटी रोड, आगे हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर तेल तो भराना ही पड़ेगा। बस तेल भरा लिया। पहुंच गए उदालगुड़ी। तो हाँ, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अलीसिंगा चाराली, जो कि सिंगरी शिव मंदिर है। तो ये अलीसिंगा में एक शॉर्टकट रास्ता है, हम लेके चलते हैं करेंगे अभी। ये रास्ता है जो अभी हम इंडिकेटर दिया हुआ है, अभी यहाँ से घुराएंगे। ये रहा, इधर से हम लोग चलते हैं। ये रहा, तो देखिए ये रास्ता इतना अच्छा रास्ता है। तो ये चावली है जो जब हम लोग जाएंगे ये लेफ्ट साइड में, यहाँ से घूमना पड़ेगा। चलते हैं, ये सीधा रोड जो है सीधा जाएगा अभी गुप्तेश्वर मंदिर। पूरे माला उला पूजा की सामग्री बेच रहे हैं। चलिए अभी चलते हैं। वो रहा गेट जो गुप्तेश्वर मंदिर का मेन दरबार है। आ जाएंगे यहाँ, देख लीजिए यहाँ पूजा के सारे सामग्री यहाँ बेच रहे हैं। यहाँ से खरीद के पूजा जाना पड़ेगा। तो पहले तो आप लोग देख रहे हैं जो गेट है, यहाँ भरी भरकम से सेल्फी ले रहे हैं श्रद्धालु, और श्रद्धालु से भरा हुआ ये मंदिर देखिए। और मेरे भाई है जो फोटो ले रहे हैं, मुझे फोटो उठा रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिन ये रहा नंदी जी। तो नंदी जी को देखने के बाद हम लोग चलेंगे ऊपर की ओर, जहाँ पहले गणेश जी का दर्शन कर लेंगे। बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। हेलो बाबा का, मेरा नाम सुरेंद्र दिगल है। दिगल सिद्धि विनायक गणपति देवता, हरिओम सिद्धि विनायक गणपति देवता, गौरी नारायण नमस्ते, गजानन भूतति सरादि सेवितं कपीत जम्बो बलचार उमाशुकं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वज्रतुण्डं महाकाय सूर्य कोटि समल प्रभा निर्विघ्ने गुरु मे देवै सर्वतां सु सर्वदा भगवान सिद्धि विनायक गणपति देवता नैवेद्य भेटि कस्तुर प्रदानं कामनार्थं सिद्धि विनायक गणपति देवता। मैं तिलक, मुझे पंडित जी ने तिलक लगा दिया है।
बहुत शांति मिला अभी बाबा का दर्शन करते हुए, गणेश बाबा का। चलिए नीचे उतरते हैं गुफा की ओर। फिलहाल में पहुंच चुका बाबा गुप्तेश्वर का, शायद अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, मैं इस गुफा पे है बाबा गुप्तेश्वर को हम अभी दिखाएंगे। चलिए बहुत कुछ नज़ारा दिखाएंगे आपको, आप लोगों को ये वीडियो के जरिए लगे रही है। तो मैं जा रहा हूँ बाबा का दर्शन करने के लिए। ये रहा गुफा जहाँ की गुप्तेश्वर बाबा विराजमान है। तो चलिए जानते हैं, हमारे पुजारी है, पुजारी से जानते हैं। सरस्वती महाभगे विद्ये कमलाकृष्णे विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यांगे हि नमस्ते मानेश्वरे नवतां नरकान बटाणे ज्ञानपदाय करुणामय सागरायं कर्पूर कुंडल हवलेन्द्र जटाधारायं दारिद्र दुखदान नम शिवाय धूप दीप्तिबेदरे गुप्तेश्वर बाबार श्रीचरण ए भक्त हवे करजोरे प्रणिपात जनाइछे भक्तर मन मनसा पूर्ण करि पुत्र परिवार विद्यापति धन धन सहिते सर्व मनस्कामना पूर्ण करि बाबा गुप्तेश्वरे कृपा प्रहण करक निर्विघ्न कल्याण कर सर्वत्र निगुहम भगवान कसिद हरि ओम तत्सत। नमस्कार, मो नाम श्री केशव चंद्र शर्मा, मेरा नाम श्री केशव चंद्र शर्मा। ये बहुत दिन पहले ये इस जगह पे बहुत आदमी मर गया, तो ये कुंड है, कुंड से सपना किया वो लोग को, गांव सामने गांव वाला आदमी को सपना दिखाया जे हम यहाँ में परित्यक्त रह रहा है, इसलिए आप लोग को हम उद्धार कीजिए। सब लोग आदमी एक साथ आ जाएगा जंगल काट करके, जंगल के बिना बीच में ये कुंड मिला, तो कुंड में तो बाबा गुप्तेश्वर गुप्त हो गया। उसी टाइम में विश्वकर्मा भगवान के मंदिर की बना दिया। उसी टाइम में एक मुनि आया, इसका नाम श्रीष्ट सिंह, वो मुनि पहाड़ में ऊपर के बैठ करके प्रणाम कीजिए। वो आदमी लोग आया, आइए बाबा बाबा को प्रणाम किया। वो लोग बोला कि हम पंडित नहीं, एक तो पंडित हमें बैठ गया, तो वो लोग के पंडित एक तो पंडित लेकर नहीं, यहाँ मैं बैठ गया। तब विश्वकर्मा भगवान के मंदिर किया और नाम घर सबको पागन में बना दिया। उसी टाइम में बानरजा यहाँ में यज्ञ किया, यज्ञ के बाद शिव भाग गया, अंतर्ध्यान हो गया। तीन मेला हुआ इसमें, एक साल में तीन मेला हुआ, एक शिवरात्रि, एक बोलबम, एक बसंत ऋतु। हाँ हाँ, नारद मुनि का विश्वनाथ घाट में, वो आगे विश्वनाथ घाट में नारद मुनि बानरजा से उसी में एक काशीधाम निर्माण करने के लिए कोशिश किया। जो काशीधाम निर्माण किया ऑरिजिन काशीधाम बहुत हो जाएगा, इसीलिए दो भाग किया, एक भाग एक यहाँ से एक लिंग लेकर आने यहाँ में गुप्त कर दिया कुंडों में, इसीलिए मंदिर का नाम गुप्तेश्वर। फिर ये लिंक ब्रह्मपुत्र लिंक है, नदी में पानी जब बढ़ जाएगा यहाँ बढ़ जाएगा, नदी में नीचे चला जाएगा नीचे चला जाएगा। ये विश्वकर्मा भगवान के मंदिर निर्माण किया ये मंदिर। ये देखिए त्रिशूल से भरा डमरू, त्रिशूल, धागा, देखिए इधर भी पूरा त्रिशूल से भरा, लाख लाख त्रिशूल। इसमें श्रद्धालु लोग जो आते हैं इधर ही अपना त्रिशूल लगाकर, ये जो देख रहे हैं आप ये अग्निकुंड है, 7000 पहले से, 7000 साल पहले से ये अग्निकुंड
में आग उसमें भस्म बनाया जाता है, भस्म जो कि इसमें भस्म जो लगाने से अपना सब काम सिद्धि हो जाता है, सुनने में मिला है। तो फिलहाल हम निकलते हैं कबाड़ से बाहर, चलिए। तो देखा आपने, आप लोगों ने देखा कि जो गुप्तेश्वर मंदिर के विषय में हम कुछ जानकारी हासिल किए, पुरोहित ने कुछ बोले और बहुत कुछ ऐसा बात है कि, तो वीडियो अच्छे लगने से कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो